एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरी वीडियोस को पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है कि आजकल मैं नवरात्रि की बहुत ही हेल्दी रेसिपी शेयर कर रही हूं। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूं बहुत ही हेल्दी रेसिपीज़। इस वीडियो में मैं आपके साथ दो रेसिपीज शेयर करूँगी, एक है व्रत का डोसा और एक है व्रत की इडली, जिसे हमने बिल्कुल ही मिनिमम ऑयल या घी के साथ बनाया है। बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही फुलफिलिंग है खाने में। तो जल्दी से आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बनाएंगे व्रत का डोसा। उसे बनाने के लिए मैंने एक कप साबूदाना लिया, उसे 4-5 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दिया। और इस तरह से देखिए, ये बहुत ही सॉफ्ट, अच्छे से भीग गया है साबूदाना हमारा। जब हम साबूदाना भिगोएंगे तो हम साबूदाने के लेवल से थोड़ा सा ऊपर पानी रखेंगे। इस तरह से देखिए, इतना अच्छा खिला भीगा है हमारा साबूदाना। अगर हम बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे इसके अंदर तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉगी हो जाएगा। अब हम इसे साइड में रखेंगे और हम अब सांवक के चावल देखेंगे। ये हमने सामा राइस या सांवक के चावल लिए हैं। ये मैंने आधा कप लिए और उसे आधे घंटे के लिए मैंने थोड़े से पानी में भिगोकर रख दिया है। इसका भी मैं सारा पानी जो है एक्स्ट्रा वो निकाल लूंगी पीसने से पहले। अब हम जल्दी से डोसे का बैटर बना लेंगे। डोसे का बैटर बनाने के लिए मैं सबसे पहले सांवा राइस जो मैंने आधे घंटे के लिए भिगोए थे उसे एक ग्राइंडिंग जार में डालूंगी। फिर मैं जो हमारा साबूदाना था भिगोया हुआ, मैं उसे डालूंगी। 1 से 1.5 छोटा चम्मच में डालूंगी सेंधा नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। दही मैं यहाँ पे थोड़ी सी डाल रही हूँ, 2 से 3 चम्मच के आसपास। आप चाहें तो दही नहीं भी डालें। 1/4 कप यहाँ पे मैं डालूंगी पानी। आप यहाँ पे पानी पहले थोड़ा कम डालना ग्राइंड करते हुए। अब हम इसे जल्दी से ग्राइंड कर लेंगे और बैटर बनाएंगे। अब जो हमारा डोसा बैटर है वो एकदम बनके तैयार हो गया है। हम इसे एक मिक्सिंग बोल में निकालेंगे और इसे हम थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। पर उससे पहले हम इसकी कंसिस्टेंसी देख लेते हैं। ये देखो, ये एकदम डोसे के बैटर के जैसा बना है। ये बहुत ज़्यादा स्टिकी भी नहीं है। अगर आपको इसे थोड़ा सा और क्रिस्पी रखना हो तो आप यहाँ पर जो सांवा राइस है वो थोड़े और ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। बस अब हम इसे थोड़ी देर रेस्ट करने छोड़ेंगे, तब तक हम डोसे का मसाला तैयार करेंगे। अब हम डोसा का मसाला बनाएंगे। उसके लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है। आप यहाँ पे जो भी ऑयल यूज़ करते हो फास्ट में वो डाल लेना। फिर मैं यहाँ पे राई और सरसों डालूंगी। आप अगर राई सरसों यूज़ नहीं करते तो आप जीरा डाल लें। फिर हम थोड़े से कड़ी पत्ते डालेंगे, इसमें कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, कद्दूकस की हुई अदरक। और अब हम इसे अच्छे से सौते करेंगे हाई फ्लेम पे। अगर आप हींग खाते हो तो आप हींग भी इसमें डाल सकते हो मसाले में, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बस ये अच्छे से जब थोड़ा सौते हो जाएगा, हम इसके अंदर उबले हुए आलू डालेंगे। मैंने यहाँ पे 3 बड़े उबले हुए आलू लिए हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो हमारा फ्लेवर है सारे कड़ी पत्ते, हरी मिर्च और अदरक का, वो सब हमारे आलू में अच्छे से चला जाए। अब हम इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेंधा नमक डालेंगे। मैंने यहाँ पे 1.5 छोटे चम्मच सेंधा नमक यूज़ किया है। आप यहाँ पे काली मिर्च या लाल मिर्च भी डाल सकते हो, बट क्योंकि मैंने यहाँ पे कटी हुई हरी मिर्च बहुत ज़्यादा डाली है इसलिए मैं और चिली इसमें कोई ऐड नहीं कर रही हूँ। अब हमारा मसाला बन के रेडी है। हम डोसा बनाने के लिए नॉनस्टिक पैन के ऊपर इस तरह से अपने बैटर को स्प्रेड करेंगे। यहाँ पर तवा आपका बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और इस तरह से हम राउंड राउंड करके अच्छे से पूरे के पूरे बैटर को स्प्रेड कर देंगे तवे के ऊपर। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी डालेंगे। आप यहाँ पे घी या ऑयल कुछ भी यूज़ कर सकते हो, जो भी आप व्रत में खाते हो। और इसे अच्छे से थोड़ी देर कुक होने देंगे। इसे हमें बहुत हाई फ्लेम पे नहीं कुक करना है। बस जब ये थोड़ा थोड़ा नीचे से हमें पकता हुआ दिखेगा, हम इसके ऊपर जो मसाला है वो सारा स्प्रेड कर देंगे डोसे के ऊपर। जब भी आप ये रेसिपी ट्राई करोगे तो ध्यान रखना कि आपको आलू तभी अपने डोसे के ऊपर स्प्रेड करना है जब आपका डोसा अच्छे से नीचे से कुक हो जाए। अगर वो अच्छे से कुक नहीं हुआ होगा तो आपके जो आलू हैं वो अच्छे से स्प्रेड नहीं होंगे और बहुत ज़्यादा चिपक जाएंगे डोसे के ऊपर। बस इस तरह से हमने डोसे के ऊपर आलू लगा दिए और हमारा जो डोसा है वो एकदम बन के तैयार है सर्व करने के लिए। नेक्स्ट रेसिपी में हम बनाएंगे व्रत की इडली, जिसे बनाने के लिए मैंने 1 कप सामा राइस यानी कि सांवक के चावल लिए थे और मैंने उसे 2 से 3 घंटे के लिए पानी में अच्छे से भिगोकर रख दिया था और उसका मैंने पानी पूरा निकाल लिया है। अब फिर मैंने 1/4 कप जो है वो साबूदाना यानी कि सागो लिया था, उसे भी मैंने पानी में भिगोकर रख लिया था 2 से 3 घंटे के लिए। अब हम जल्दी से इसे पीस लेते हैं। मैं ग्राइंडिंग जार में सांवक के चावल, साबूदाना दोनों चीज़ों को डालूंगी। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी दही। मैंने यहाँ पे 1/4 कप दही ली है। मैं ये पूरी दही एक बार में नहीं डाल रही हूँ। फिर मैं यहाँ पे 1 टीस्पून डालूंगी सेंधा नमक। यहाँ पर हम पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ दही के साथ ही हम इसे पीसेंगे।
एक से दो मिनट के लिए जब हम इसे ग्राइंड करेंगे तो इस तरह से हमें एक बैटर मिलेगा जो कि एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी का बैटर है इडली बनाने के लिए। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे आधा पैकेट से थोड़ा सा ज़्यादा इनो। इतने बैटर में अगर आप एक पैकेट इनो डालोगे तो वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने आधे पैकेट से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। अब बस हम इसे लास्ट में ऐड करेंगे, हल्का सा हम इसे हिलाएंगे और अपने जो इडली स्टैंड है उसके अंदर बैटर को डालेंगे। मैंने इडली पैन को थोड़ा सा ऑयल लगा के ग्रीस कर लिया है ताकि जब मैं इडली निकालूंगी तो मुझे थोड़ा सा इजी होगा इडली निकालने में। ये एक ऑप्शन बहुत हेल्दी ऑप्शन होता है नवरात्रि में खाने के लिए, क्योंकि ये स्टीम्ड है तो इसे हमें डाइजेस्ट करना बहुत इजी होता है, इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं होता और ये बहुत ही फुलफिलिंग रहती है इडली। बस यहाँ पर अब मैंने थोड़ा सा पानी डालकर इडली कुकर के अंदर उसे बॉईल कर लिया है। अब मैं सारी इडली स्टैंड को इसके अंदर रखूँगी और कुक करूँगी 13 से 14 मिनट्स के लिए। 15 मिनट्स के बाद अब हम चेक करेंगे हमारी इडली प्रॉपर्ली कुक हो गई है या नहीं। इस तरह से टूथपिक की हेल्प से हमारी इडली जो है वो प्रॉपर्ली कुक हो गई है। अब हम स्टैंड को निकाल कर साइड में रख देंगे 5 से 7 मिनट्स के लिए। आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको इडली को एकदम से स्कूप आउट नहीं करना है, आप उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें 5 से 7 मिनट के लिए स्टैंड को ठंडा होने के लिए। उसके बाद एक स्पून की हेल्प से आप इडली को स्कूप आउट करें। इस तरह से देखिए मेरी सारी इडली बनकर रेडी हो गई है, बहुत ही परफेक्ट बनी है। हमारी इडली एकदम सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनकर तैयार हुई है। देखिए कितनी सॉफ्ट है, दोनों तरफ से अच्छे से कुक हो गई है हमारी इडली। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर प्रेस कर देना है ताकि आपको आने वाली सारी वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।